हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर वेरी ओन स्टेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स ऑन योर टेक्स्ट। आज आएगा हमारी वीडियो नंबर 49 पे और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेशनल इनकम के तीन मेथड। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के हमारे तीन मेथड होते हैं, वैल्यू एडेड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये तीन मेथड होते हैं। इससे पहले वीडियो नंबर 44 से लेके 48 तक ये पांच वीडियो जरूर देखना। जब तक नहीं देखोगे ना, ये वीडियो देखने का कोई सेंस नहीं है, बंद कर दो। क्यों? क्योंकि इससे पहले उन पांच वीडियोस में हमने नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स पढ़े हैं, जिसमें ग्रॉस नेट फैक्टर इनकम और वो सब सारी चीजें हमने पढ़ी। प्राइवेट इनकम क्या होती है, पर्सनल इनकम क्या होती है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, सारी इनकम हमने पढ़ चुके हैं, उनके न्यूमेरिकल्स भी कर चुके हैं। सो अगर नहीं देखी वो तो एक बार जाके जरूर देखो, क्योंकि जब सीक्वेंस से पढ़ोगे तब समझ में आएगा, बीच में से नहीं आएगा। So, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम को कैसे मेजर करते हैं। मेजर करने से पहले हम ये देखेंगे कि नेशनल इनकम का मतलब होता क्या। देखो, इट रेफर्स टू द फैक्टर इनकम, ध्यान रखना, इट रेफर्स टू द फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम का मतलब वो पैसा जो कोई प्रोडक्टिव सर्विस करके कमाया है, फालतू में नहीं, जैसे स्कॉलरशिप वगैरह ये काउंट नहीं करेंगे। क्या करेंगे? जो पैसा मेहनत करके कमाया है, प्रोडक्टिव सर्विस का ये। सो इट रेफर्स टू द फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन एन ईयर। एक साल के अंदर इंडिया के लोगों ने कितना पैसा कमाया, दैट इज नोन एज नेशनल इनकम। अब देखो ध्यान से, हमने पिछली बार डोमेस्टिक इनकम पढ़ी। डोमेस्टिक इनकम का मतलब इंडिया के अंदर रहने वाले लोग। समझना इसको ध्यान से, डोमेस्टिक इनकम मतलब इंडिया के अंदर रहने वाले लोगों ने, एंड नेशनल इनकम का मतलब अंदर के साथ साथ जो लोग इंडिया के बाहर रहते हैं, वो इंडियंस जो इंडिया के बाहर रहते हैं और पैसा इंडिया में आता है, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। सो व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA इक्वल्स टू नेशनल इनकम। व्हाट इज नेशनल इनकम? डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA इक्वल्स टू नेशनल इनकम। सो डोमेस्टिक इनकम किसे कहते हैं? NDPFC को, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस NFIA इक्वल्स टू NNPFC जो कि होती है हमारी नेशनल इनकम। सो व्हाट इज नेशनल इनकम? NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। याद रखना, सारी इनकम कॉस्ट पे ही होती है, ठीक है? तो व्हाट इज नेशनल इनकम? डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA इक्वल्स टू नेशनल इनकम। अब देखो, ध्यान रखने वाली बात, इंडिया में नेशनल इनकम कौन कैलकुलेट करता है? इंडिया में नेशनल इनकम कौन कैलकुलेट करता है? हम नहीं। इंडिया में नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनी, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज द नेम? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO, एस्टिमेट नेशनल इनकम। इंडिया की नेशनल इनकम कौन कैलकुलेट करता है? CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब वो ये काम करता कैसे? CSO ये काम करता कैसे, कैसे कैलकुलेट करता है? एक एक आदमी की जाके इनकम पूछेगा क्या? हमारी साहब आपकी कितनी, हमारी साहब आपकी कितनी? नहीं, कैसे करेगा? वो कैलकुलेट करने के लिए तीन मेथड होते हैं। हम तीनों पढ़ेंगे। पहला, वैल्यू एडेड मेथड, सिर्फ नाम बता रहा हूं। सेकंड, इनकम मेथड। थर्ड, एक्सपेंडिचर मेथड। मतलब समझा, वैल्यू एडेड मेथड का मतलब कितनी मेहनत करी वो, इनकम का मतलब कितना पैसा कमाया, एक्सपेंडिचर का मतलब कितना खर्च किया। समझ गए? तो इन तीनों मेथड से जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर एक ही आएगा। तीनों, इससे करो, इससे करो, इससे करो, तीनों से आंसर एक ही आएगा, ठीक है? सो कोई प्रॉब्लम नहीं, कौन सा मेथड यूज करेंगे। सो अब हम एक एक करके लेते हैं इन मेथड्स को। व्हाट इज द फर्स्ट मेथड? वैल्यू एडेड मेथड। सो लेट्स स्टार्ट मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम विद वैल्यू एडेड मेथड। हमारा फर्स्ट मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड है हमारा वैल्यू एडेड मेथड। ध्यान से समझना, मेथड बहुत ईजी है। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के तीनों मेथड बिल्कुल ईजी है, बट समझ में आ जाए। So what is value added method? Start करते हैं। This method is used to measure national income in different phases of production. National income कैसे calculate करेंगे?
डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन के अलग अलग फेज में। जैसे सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल मान लो हमें आटा लिया, तो गेहूं से आटा बनाया पहला फेज, आटे से ब्रेड बनाई दूसरा फेज, ब्रेड से केक बनाया तीसरा फेज। तो इन तीनों फेजों को लेके हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आगे पढ़ते हैं। देखो ध्यान से, एवरी एंटरप्राइज एड्स टू द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। हर एंटरप्राइज, हर ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ाती है। कैसे? विच इट परचेज एट इंटरमीडिएट कॉस्ट, यानी कि जो भी मैंने एज अ रॉ मटेरियल खरीदा, जो भी एज अ रॉ मटेरियल खरीदा उसमें थोड़ा सा काम करके मैं उसको ज्यादा में बेचूं। ऐसा ही होता है कि जो मैंने रॉ मटेरियल खरीदा उस पर थोड़ा सा और काम किया और उसको उससे ज्यादा में बेचूं। द वैल्यू विच एडेड इज नोन एज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, यानी जो वैल्यू एड हुई। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 200 में खरीदा था और उसको ले जाके 300 में बेच दिया, तो मैंने उस पर कितना काम करा, 100 रुपए का। कितना काम करा, 100 रुपए का। तो मेरी वैल्यू एडेड कितनी है, 100 रुपए। कितनी है वैल्यू एडेड, 100 रुपए। सो हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू एडेड, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सिंपल, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितने में बेचा, 300 में, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब मैंने वो सामान कितने में खरीदा था, कितने में खरीदा था, 200 में, तो मैंने कितनी वैल्यू ऐड करी, 300 माइनस 200 दैट इज 100, कितनी ऐड कर दी, 100। अगर मैं इकलौता हूं तो मेरी जो वैल्यू एडेड 100 है वो क्या कहलाएगी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। क्या कहलाएगी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जिसको सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं जीडीपी एमपी। क्या बोलते हैं, जीडीपी एमपी। सो व्हाट इज जीडीपी एमपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सिंपल है, बिल्कुल चीज सीधा। कैसे निकालना वैल्यू एडेड, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितने बेचा माइनस कितने में खरीदा। हमने क्या निकाल लिया कि उस बंदे ने उस चीज पे कितना काम किया। अब ऐसे जैसे हमने तीन फेज पढ़े थे, क्या कि फॉर एग्जाम्पल कि गेहूं से आटा बना तो उसने कितना ऐड किया, प्लस उसके बाद क्या हुआ, आटे से ब्रेड बनी उसने कितना ऐड किया, प्लस ब्रेड से केक बना उसने कितना ऐड किया, प्लस ये तीनों के तीनों जब हमने जोड़ दिए तो हमें क्या मिला, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जिसको हम कहते हैं जीडीपी एमपी। और जीडीपी एमपी से नेशनल इनकम पे आना बहुत इजी है। नेशनल इनकम क्या होता है, एनएनपी एफसी, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया कि यहां से यहां कैसे आते हैं। तो अब देखो ध्यान से समझना, हमारे पास दो चीजें निकल गई, कौन कौन सी चीजें ध्यान से देखो। पहली चीज आई हमारे पास इंटरमीडिएट कंजम्पशन, कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, मैंने बता दिया। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब क्या होता है कि रॉ मटेरियल क्या होता है, सिंपल सी वे में रॉ मटेरियल। अब देखो, रॉ मटेरियल हम इंडिया के अंदर से भी ला सकते हैं और बाहर से भी ला सकते हैं। सो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैन बी रिटन एज डोमेस्टिक कंजम्पशन प्लस इंपोर्ट्स, डोमेस्टिक कंजम्पशन प्लस इंपोर्ट्स। सिंपल है। सिमिलरली वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है कि वो सामान मैंने कितने में बेचा, वो सामान मैंने कितने में बेचा, दैट इज इक्वल टू सेल्स, इसके बराबर होता है सेल्स। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ सामान नहीं बिका, पॉसिबल है ना कि 10 में से 7 ही बिके, तो 7 का तो सेल्स में आ गया, बाकी जो 3 बचे उनका क्या, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, एड चेंज इन स्टॉक। क्या करा हमने, चेंज इन स्टॉक, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम? सो व्हाट इज वैल्यू एडेड, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर कभी प्रॉब्लम आए तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन, डोमेस्टिक प्लस इंपोर्ट, समझो बात को, बस समझ रहा है। एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट, कितने बेचा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। इसके अलावा एक और ध्यान रखना, इसके अलावा अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट का एक और फॉर्मूला निकालना है तब क्या कर सकते हैं, सामान बेचा ये होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो डोमेस्टिक बेचा या इंडिया के पास बेचा, दोनों होते हैं, तो कैन बी रिटन एज डोमेस्टिक सेल्स
एक्सपोर्ट, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट, हो गया सिंपल है, कोई प्रॉब्लम आई क्या? कुछ नहीं है, बिल्कुल सीधा। क्या करा हमने? वैल्यू एड, कितना काम किया, कितने में बेचा, माइनस कितने में खरीदा, 100 रुपए का हमने काम कर लिया, दैट्स इट, सिंपल, बिल्कुल सीधा सीधा। अब इस चीज को अगर नहीं समझ में आया, इस फॉर्मूले पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, मेन फॉर्मूला अपनाइए, ठीक है। इस चीज को और अच्छे से समझना हो तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं और पहले मेथड को खत्म करते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ले लिया हमने आटे से लेकर केक बनने तक का, एग्जाम्पल ले लिया आटे से लेकर केक बनने तक का। सो स्टार्ट करते हैं, फेज ऑफ प्रोडक्शन, तीन लोग काम आएंगे। पहला, सबसे पहला फार्मर, फार्मर जिसने क्या करा, गेहूं का। नेक्स्ट मिलर, जिसने उसको आटे में कन्वर्ट करा। एंड फाइनली बेकर, जिसने उसको ब्रेड या केक में कन्वर्ट करा। तो ध्यान से देखना, हमें क्या करना है, वैल्यू एडेड निकालना है। वैल्यू एडेड क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, कितने में खरीदा और कितने में बेचा, इनका डिफरेंस। तो देखो, सबसे पहले फार्मर की बात करते हैं, उसने क्या बनाया, आउटपुट वीट, कितने में बेचा, 500 रुपए, कितने में बेचा, 500 रुपए। आप ध्यान से देखो इधर, उसके लिए रॉ मटेरियल क्या था, उसने अपनी मेहनत लगाई, इसने कोई रॉ मटेरियल नहीं है, तो कितना मानते हैं उसका रॉ मटेरियल था जीरो, उसने कितने का रॉ मटेरियल लिया, जीरो का मानते हैं। सो उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है, जीरो। तो फार्मर ने कितनी वैल्यू एड करी, जीरो के सामान से उसको 500 का बना दिया, 0 to 500। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो फार्मर ने कितनी वैल्यू एड करी इसमें, 500। समझ में आया? आगे अब बात करते हैं, ये जो वीट थी ये मिलर के पास चली गई, ठीक है। मिलर ने क्या किया, उससे क्या बना दिया, आटा, उससे क्या बना दिया, आटा, और कितने में बेच दिया, 700 रुपए, कितने में बेच दिया, 700 रुपए। हम ध्यान समझ रहे हैं इसको, उसने ये चीज 700 में बेची और कितने में खरीदी थी, 500 रुपए। उसने फार्मर से ये चीज कितने में खरीदी थी, 500 रुपए। सो उसने कितनी वैल्यू एड करी, 700 माइनस 500 200, उसने कितना काम किया, 200 रुपए। समझ में आया? लास्ट फेज बेकर, अब वो आटा बेकर के पास चला गया, किसके पास चला गया, बेकर के पास। तो बेकर ने क्या किया, उससे क्या बनाया, तो ब्रेड या केक, और वो कितने में बेच दिया, 1000 रुपए, कितने में बेच दिया, 1000 रुपए में। अब ध्यान से समझो, उसने ये खरीदा कितने में था, उसने खरीदा था 700 रुपए में, ठीक है, और बेचा कितने में, 1000 रुपए में। सो इट काउंट ऑफ 300, उसने कितनी मेहनत करी उस पर, 300 रुपए की। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ आउट, वैल्यू एडेड 1 2 3, कितनी वैल्यू एड हुई, 1000 रुपीज इन टोटल इस चीज पे वैल्यू एड हुई, जिसको हम कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस या फिर जीडीपी एमपी। समझ में आया? जीडीपी एमपी निकल गया। सो लास्ट चीज, हम वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देख रहे हो। स्टेप नंबर वन, सबसे पहले क्या करो, वैल्यू एडेड निकालो। वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। सबकी वैल्यू एडेड निकाल लो, इसकी भी इसकी भी इसकी, क्वेश्चन में एक ही होती है, जनरली 99% क्वेश्चन में एक ही होती है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कर दिए, ठीक है। ध्यान रखना, वैल्यू ऑफ आउटपुट का भी फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और इंटरमीडिएट का भी है डोमेस्टिक प्लस इंपोर्ट। वैल्यू एडेड निकाल दिया, स्टेप नंबर टू, वैल्यू एडेड किसके बराबर हो गई तुम्हारी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस या फिर जीडीपी एमपी, इसके बराबर हो गई जीडीपी एमपी। एट द लास्ट थर्ड फेज, जीडीपी एमपी से कहां पहुंचना है हमको, नेशनल इनकम पे, जो कि है हमारी एनएनपीएफसी, कहां पहुंचना है, एनएनपीएफसी पे। कैसे पहुंचेंगे, देखो, ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए, प्रोडक्ट सेम, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी, सिंपल हो गया। पहला मेथड खत्म हो गया,
पहले मैथड के सब चीजें खत्म हो गई। ठीक है गाइस, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। जिसको भी इस वीडियो में प्रॉब्लम हो वो इससे पुरानी वाली वीडियो देख ले, 44 to 49 सीरीज वाइज देखो, सबको सारे आंसर्स मिलेंगे। ट्रिप दिमाग लगाना है और आंसर अपने आप आएगा। सो गाइस देखते रहो इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स, और याद रखना नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, वो क्या होता है, क्यों होता है, वो सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस, कीप ऑन वॉचिंग इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये क्या है, कवर बदल गया, कवर अच्छा लगा बुरा लगा, इट्स अप टू यू। सो गाइस ये मेरी बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड ऑल्सो माइक्रो इकोनॉमिक्स आउट फॉर सेल, दोनों में से जो खरीद रही हो, अगर दोनों खरीद रही हो ये ज्यादा ही पसंद आ गया लगा कि हाँ नंबर आ सकते हैं, तो क्या करो, इस बुक को परचेज कर सकते हैं इजीली। परचेज करने के लिए मुझसे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा 769-004-1256 769-004-1256, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे आओ थ्रू व्हाट्सएप और कॉल, पर्सनल नंबर है। ठीक है गाइस, सो कीप ऑन वॉचिंग इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, बुक पढ़ो और देखते रहो इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स।